भैया कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। बात तो मैं तुमसे करने आई थी बात। मैं तुम्हें सुबह से कॉल्स कर रही थी, तुमने मेरी एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया। यहाँ अचानक आके पता चलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ थे, जिसकी वजह से तुमने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। इस बात को मान मत, तुमने जो कुछ भी देखा उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो फहद, कितना झूठ बोलोगे तुम। मुझे मुझे लगता था एक तुम ही मेरे साथ मुखलिस हो, जिसके साथ मैं अपनी हर परेशानी शेयर करती हूँ और वो मुझे बेहतर हल बताता है। मैं आज यहाँ अपनी बहन की परेशानी शेयर करने आई थी तुमसे, लेकिन मुझे नहीं पता था फहद कि तुम्हारे दो रूप हैं, एक वो जो तुम मुझे दिखाते हो और दूसरा वो जो आज अचानक मैंने देख लिया। अलिया तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। बस करो फहद, मैं अब तुम्हारी बातों के धोखे में नहीं आने वाली। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बन के बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जर्रा जर्रा उड़ता जाए, चाहे जितना मैं थामूं। ना मैं तुम्हारे लिए ना तुम मेरे लिए, कोई किसी के लिए नहीं मरता फहद, ये सब झूठ है। मेरी जिंदगी मेरी नहीं, मेरे घर वालों के लिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे खुद के बारे में सोचने का कोई हक नहीं। मेरी राह बहुत मुश्किल और मंजिल बहुत दूर है, तुम मेरा साथ नहीं दे सकते फहद। मेरे